Super Liga. तो चलिए जी दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 8 का एक कैश बजट प्रिपेयर करेंगे और फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, दो क्वेश्चंस को करके जाने चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं बेटे कैश बजट, कैश बजट ऑफ ए बी सी लिमिटेड। बेटे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, लो बेटे। बेटे यहां पर लिखते हैं रिसिट्स ऑफ कैश, और बेटे यहां पर लिखते हैं पेमेंट्स ऑफ कैश। आराम से बेटे, मैं वैसे अलग से दूसरा पेज भी बना देता हूं। यहां पे आ गया बेटे क्लोजिंग बैलेंस, या यहां पे लिख लीजिए, या चलिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, फिर लिख दीजिए मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश। फिर बेटे या तो बोरोइंग होगी और या इन्वेस्टमेंट, या तो बोरिंग होगी और या इन्वेस्टमेंट। आराम से बेटे, शुरू करें बेटे। क्वार्टर वन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्वार्टर वन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बेटे 10,000 रुपए। बेटे एक एक क्वार्टर का करेंगे, या चलिए जो चीजें सबके लिए वो तो लिख ही सकते हैं, क्लोज एक एक क्वार्टर का करेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में, क्वार्टर थ्री में और क्वार्टर फोर। परचेज ऑफ मटेरियल बेटे पेमेंट किए, बीस हजार, पैंतीस हजार, पैंतीस हजार और 54,000। दोस्तों अदर एक्सपेंसेस 25,000, 20,000, 20,000 और 17,000। बेटे सैलरी एंड वेजेस 90,000, 95,000, 95,000 और 1,09,000। दोस्तों बेटे इनकम टैक्स 5,000, बेटे परचेज ऑफ मशीनरी, लो बेटे बड़ा ही क्वेश्चन सिंपल है, इसमें खाली एक मिनिमम बैलेंस की बात है जो मैं करा रहा हूं, वैसे तो इजी है। फिर वो कह रहा है जी द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 15,000, वो कहता है जी 15,000 का बैलेंस हर समय होना चाहिए, और अगर कम है तो आप बोरो कर लीजिए, और बोरो 500 के मल्टीपल में होगा
और ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट भी 5 का मल्टीपल पे होगा और ब्याज 10% का लगेगा, ठीक है जी। और जब आप रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अरे पहले रिसिट्स ऑफ कैश का टोटल कर लें, 1,35,000। यूजेस का देख लेते हैं, बेटे 1,40,000, 5,000 का बेटे नेगेटिव बैलेंस आ गया, और बेटे 15 का पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं 20,000 रुपए बोरो कर रहा हूं बेटे, इन्वेस्ट को तो मतलब ही नहीं है, आराम से देख लीजिए, 5,000 का नेगेटिव बैलेंस आ गया, मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश 15,000 होना चाहिए, बोरोइंग 20,000 हो गई, और बेटे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है जी। अब ये 15,000 का बैलेंस बेटे क्वार्टर वन का, क्वार्टर टू में जाएगा ना, तो यहां लिख दे जी 15,000, और ये आ गया जी 1,65,000, 1,65,000, 1,50,000, तो बेटे 15 का ही बैलेंस है, 15 ही होना चाहिए, ना तो बोरिंग करेंगे ना री इन्वेस्ट करेंगे, देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस 15,000 रुपए का आ रहा है और 15 ही होना चाहिए। ये बेटे मैंने क्वार्टर टू कंप्लीट कर दिया, अब मैं आ रहा हूं जी क्वार्टर थ्री में, तो बेटे 15,000 रुपए यहां पर आ गया, ये आ गया बेटे 1,75,000। अब आप यहां टोटल कर लीजिए, 35,000, 20,000, 95,000, बेटे 1,50,000 आ गया, 1,75, 1,50, 25 आ गया बेटे क्लोजिंग, और होना कितना चाहिए 15, तो बेटे बाकी एक्सेस बैलेंस को रिटर्न कर दीजिए। सवाल आता है कि कितना रिटर्न करें, 25 माइनस 15 तो 10 होता है, क्या 10,000 लेस करें? अगर आप 10,000 लेस करते हैं तो इंटरेस्ट कहां से देंगे? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को साथ साथ पे करना है, और आप बताइए 10,000 रुपए मेरे पास टोटल है, मेरे पास टोटल 10,000 रुपए है बेटे, टोटल 10,000 रुपए। ये देखो क्वार्टर थ्री में, अब ये टोटल 10,000 का बॉनिफिकेशन है, इसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल है और कुछ अमाउंट क्या है इंटरेस्ट का है। अब बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अब मैं मान रहा हूं कि मैंने ये 10,000 है जो भी पेमेंट करूंगा, ये मैंने क्वार्टर वन के बिगिनिंग में बोरो किया था, आई हैव बोरोड इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वन एंड आई एम रीपेइंग एट द एंड ऑफ क्वार्टर थ्री। बेटे ये तो बात माननी पड़ेगी कि मैंने बोरो किया था क्वार्टर वन के बिगिनिंग में और मैं रीपे कर रहा हूं क्वार्टर थ्री के एंड में, इसका मतलब 9 मंथ्स का गैप है बेटे। अब मैं कितने पैसे दू जिससे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर 10,000 रुपए हो जाए, तो बेटे सिंपल सी बात है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया बेटे 1 + R A। अब बेटे मुझे पता है ये 10,000 रुपए है, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, 1 + मेरे को ये भी पता है बेटे 10% का ब्याज है। अच्छा 10% तो बेटे 10% तो मैं 12 महीने में दे रहा हूं ना, तो इंटू 9/12
ये आ गया बेटे 0.075। ये लो बेटे आराम से 9 महीने का बेटे, 3, 3, 6, 3, 9 महीने। क्यों? क्योंकि मैंने माना है कि मैंने बोरो किया था क्वार्टर वन के बिगिनिंग में और मैं रीपे कर रहा हूं क्वार्टर थ्री के एंड में। चलिए जी, P इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 1.075। ये आ गया बेटे 9,302 रुपए। आराम से देख लीजिए, मैंने कैलकुलेटर पे किया है 9,302 रुपए। अब वो कहता है जी मल्टीपल 500 का होना चाहिए, तो या तो 9,500 है और या 9,000 है। बेटे अगर मैं 9,500 के मल्टीपल में जाता हूं तो बेटे इंटरेस्ट देना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फिर 10,000 से अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि मैंने 9,000 रुपए का प्रिंसिपल रीपे किया है क्वार्टर थ्री में। तो चलिए जी मैं लिख रहा हूं, हेंस इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट प्रिंसिपल of rupee 9,000 has been 9,000 paid, so total outflow will be 9,000 plus 10% of 9,000 into 9/12। बेटे ये आएगा बेटे 9,675 रुपए आ गया, 9,675 रुपीज की रीपेमेंट है। तो बेटे ये मैंने निकाल दिया फिगर, मैं यहां पे लिख रहा हूं रीपेमेंट, री इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटे, ये थी रीपेमेंट, मैंने गलती से लिख दिया रीपेमेंट होना चाहिए था। 9,675 रुपए, तो मेरे पास फिर मिनिमम बैलेंस कितना हो गया 25,000 माइनस 9,675, ये आ गया जी 15,325 रुपए। 15,325 रुपए ये बैलेंस, 15,325 रुपए ये यहां पे कर दीजिए, 15,325 रुपए ये टोटल कर दीजिए। ₹2,36,325 आ गया बेटे 2,400। ये आ गया बेटे 35,925 रुपए आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश 15 है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 35,925 है। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको रीपे करना है, क्योंकि आपने लोन लिया था 20,000 रुपए का। ले लीजिए, मैं एक वर्किंग नोट और बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट टू बी कैलकुलेशन ऑफ
अमाउंट टू बी रीपेड एट क्वार्टर फोर। बेटे ये क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर थ्री टू है, ये थ्री है और ये फोर है। आपने 20,000 रुपए यहां पर बोरो किए थे और आपने 9,000 रुपए यहां रीपे कर दिए, तो इसका मतलब अभी भी बैलेंस कितना रह गया 11,000। अब आप 11,000 यहां पे पे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, बोरो किए थे बिगिनिंग में और रीपे कर रहे हैं एंड में, तो बेटे 11,000 के ऊपर 10% 12 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा 1100 रुपए। तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे 11,001 और 1101, तो ये आ गया जी 12,100 रुपए, ये अमाउंट है। ₹12,100 रुपीज अमाउंट है बेटे जो पे करना पड़ेगा, जो हम क्वार्टर फोर में रीपे करेंगे और हमारे पास बैलेंस है। ये लीजिए 12,100 और बेटा देख लीजिए 35,925 माइनस 12,100, ये आ गया जी 23,825। आराम से बेटे 23,825 यही आंसर है, आराम से देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन 8 करा दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि ये आना चाहिए, मैंने वो करा दिया बेटे। बेटे मैंने कहा कैश बजट में दो ही क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन नंबर 7 करना है बेटे, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। कैश मैनेजमेंट में, कैश बजट में दो ही क्वेश्चंस करने हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7th को कराने जा रहा हूं, और जैसे ही 7th क्वेश्चन खत्म होगा बेटे लेक्चर 2 खत्म हो जाएगा और फिर हम लेक्चर 3 में एंटर कर जाएंगे और लेक्चर 3 में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7th में क्या लिखा है, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का कैश बजट प्रिपेयर करना है बेटे फॉर 6 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर, बेटे आपको जनवरी से अक्टूबर तक की सेल्स गिवन है। वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल एज फॉलोस, ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट। वो कहता है जी 80% सेल्स जो है वो क्रेडिट में है। आप प्लीज अपने सामने क्वेश्चन नंबर 7 खोलिए, पेज नंबर 178, पेज 178, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 178, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट एंड 20% फॉर कैश, 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 month एंड द बैलेंस इन 2 months, ठीक है जी। परचेज अमाउंट ऑफ 80% ऑफ सेल्स आर मेड एंड पेड इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स, ठीक है। परचेजेस हम 80% पहले ही कर लेते हैं और एक महीना पहले ही पे कर देते हैं, ठीक है जी। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स और वो इंटरेस्ट दे दिए। The firm is to make advance payment of tax in July. The firm has a cash balance of this. What is the minimum desired level of cash balance? ये सारी बातें हमें पता हैं। आइए, आइए हम ये क्वेश्चन कर डालें और एक कैश बजट को अपना दोस्त बना लें और कैश बजट को अपना दोस्त बना लें और ईमानदारी से हम आगे बढ़ पाएं। आइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट Showing cash budget, बेटे cash budget prepare कर रहे हैं, statement showing cash budget, बेटे 6 महीने का बनाना है, बेटे 6 महीने का, कहां से 6 महीने शुरू होंगे, on the basis, beginning from April, तो बेटे April का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का और बेटे सितंबर का, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। अप्रैल,
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। आराम से बेटे ये सब लिख ले, महीने लिख ले आप, महीने लिख ले बेटे। छह महीने का अगर आपने कॉलम बना लिया हो तो आओ शुरू करें बेटे। ये जो है ऊपर रिसिट्स लिखा है मैंने, और मैं दूसरे पेज में फिर बना रहा हूं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। लो बेटे ये पेमेंट्स लिख दिया मैंने, पेमेंट्स ऑफ कैश। और बेटे बेटे रिसिट्स ऑफ कैश। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मंथली सेल्स दी हुई है बेटे, तो मैं पहले एक वर्किंग नोट बनाऊंगा और मैं उसमें लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। आओ बेटे, मैं मार्च का महीना भी ऐड कर दिया, मैं बताऊंगा क्यों। मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। लो बेटे बेटे सेल्स यहां लिख रहा हूं, और यहां पे कैश सेल्स लिख रहा हूं, और बेटे यहां पे क्रेडिट सेल्स लिख रहा हूं, और फिर मैं लिखूंगा कि पैसे कहां से कलेक्ट हुए हैं। तो यहां लिखूंगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। सेल बेटे अप्रैल में जो सेल है और मार्च में जो सेल है, फरवरी का महीना भी लिखना पड़ता बेटे, मैंने नहीं लिखा। तो एक बार मैं